नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 14 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर जरूर। बिहार पंचायत चुनाव में हर ईवीएम का होगा अपना आईडी नंबर। पितृपक्ष मेले के आयोजन को लेकर आ सकती है कोई खुशखबरी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में होगा मेगा वैक्सीनेशन। अब कोर्ट में लंबित मामलों का होगा निपटारा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला ब्रह्मानंद पुरस्कार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पंचायत चुनाव में हर ईवीएम का होगा अपना आईडी नंबर। बिहार में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत ईवीएम की जांच, ट्रैक करने और स्कैनिंग के भी उपाय किए जा रहे हैं। प्रत्येक ईवीएम का अपना आईडी नंबर होगा, जिससे जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा ईवीएम किस प्रखंड और किस बूथ पर इस्तेमाल की जा रही है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच करा ले। अधिकतम मतदान केंद्र वाले प्रखंडों में ईवीएम को दो भागों में रखा जाएगा। पहला ए सेट तथा दूसरा बी बॉक्स में रखे सभी ईवीएम की आईडी संख्या ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ट्रैक भी की जाएगी। ओडिशा लोक सेवा आयोग ओपीएससी ने निकाली रिक्तियां। ओडिशा लोक सेवा आयोग ओपीएससी ने सहायक बागवानी अधिकारी एएचओ के कुल मिलाकर 37 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बागवानी कृषि में विज्ञान स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। जनता दरबार में सीएम ने सुनी जनता की फरियाद। बीते दिन एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई की, जहां सीएम नीतीश ने दरबार पहुंचे फरियादियों की परेशानियां सुनी। साथ ही अधिकारियों को तुरंत ही समाधान निकालने का आदेश भी जारी किया। वहीं बीते दिन सीएम नीतीश गुस्से में भी दिखे, जब एक फरियादी ने विभाग के घूस मांगने की शिकायत की। सफाई कर्मियों के हड़ताल के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। नगर निगम कर्मी इन दिनों हड़ताल पर है, वहीं उनके हड़ताल के कारण पूरे पटना और पूरे प्रदेश में कूड़ों का अंबार लग गया है। यही कारण है कि अब निगम कर्मियों की शिकायत को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट के सामने नगर निगम कर्मियों के चल रहे हड़ताल पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुनवाई करने का अनुरोध किया था। इस बाबत उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, ऐसे में इन निगम कर्मियों के हड़ताल से पूरे पटना की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है। शहर के हर क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, इससे बीमारियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। पंचायत चुनाव में हर चरण में होगी 1,00,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। बिहार में पंचायत चुनाव में हर चरण में पुलिसकर्मियों की होने वाली तैनाती की सारी जानकारी निकलकर सामने आ गई है, जिसके तहत पंचायत चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने हर चरण में 1,00,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात कही है। जैसा कि आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान सिर्फ बिहार पुलिस और होमगार्ड जवानों की तैनाती होगी, ऐसे में हर चरण में पुलिसकर्मियों को तैनात करने की योजना पर काम हो रहा है। इसके साथ ही आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 2,119 बूथों पर करीब 30,000 होमगार्ड और 60,000 से 65,000 पुलिस के पदाधिकारी कर्मी तैनात रहेंगे। उत्तर बिहार में जोरदार बारिश को लेकर जारी की गई चेतावनी। उत्तर बिहार में जोरदार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसके तहत मौसम विज्ञानियों ने राज्य में बारिश की गतिविधियों में हो रही वृद्धि के लिए पड़ोसी राज्यों के मौसम में हो रहे बदलाव को जिम्मेदार ठहराया है। इस बाबत मौसम विज्ञानी SK मंडल ने कहा कि पश्चिमोत्तर और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। अगले 12 घंटे के दौरान मानसून ट्रफ के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ने और बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी और उत्तर पश्चिमी ओडिशा के तटों के आसपास के क्षेत्र में दबाव में केंद्रित होने की संभावना है। के संस्थापक आनंद कुमार को मिला ब्रह्मानंद पुरस्कार। सुपर 30 के संस्थापक आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अब तक आनंद कुमार ने अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज किए हैं। इसी बीच आनंद कुमार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 के स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस बाबत एक समारोह में गुरुकुल कांगरी हरिद्वार के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री से पुरस्कार प्राप्त किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुरस्कार हर साल दुनिया के उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा और गौ सेवा में विशेष कार्य किया हो। यह पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद सन्यासी स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पर दिया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं।
आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मृत्युंजय प्रभाकर की। मृत्युंजय प्रभाकर बिहार के नालंदा के गांव के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भाग लिया, जहां उन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में थिएटर और प्रदर्शन अध्ययन में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। मृत्युंजय कुमार प्रभाकर एक भारतीय नाटककार है, रंगमंच निर्देशक, रंगमंच समीक्षक, कवि, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में नाटक और रंगमंच कला के सहायक प्रोफेसर और 2012 में बिहार सरकार द्वारा बिहार कला सम्मान प्राप्त करने वाले में से एक है। कम उम्र से ही थिएटर और नाटक का अभ्यास उन्होंने किया था और उन्होंने उनके सामाजिक और राजनीतिक आख्यानों और न्यूनतम मंच डिजाइन के लिए उनकी सराहना भी काफी जगह पर अब तक की जाती रही है। मेले के आयोजन को लेकर आ सकती है कोई खुशखबरी। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही इस बार आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेले के आयोजन को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी। इसी बीच अब मेले के आयोजन को लेकर जल्द ही शुभ संकेत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि सीएम नीतीश ने खुद सब कुछ ठीक होने पर मेले के आयोजन को लेकर हामी भरने की बात कही है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना के चलते अभी अगर स्थिति ठीक रही तो पितृपक्ष मेले को क्यों नहीं करवाया जाएगा। कोरोना काल में भी अभी हम सभी चीजों की अनुमति दे चुके हैं, लेकिन लोगों से आग्रह करते हैं कि कहीं भी भीड़ ना लगाए। अगर कहीं बाहर से लोग आते हैं तो उनके टेस्ट का इंतजाम भी हम लोगों ने करवा दिया है। अभी तो इस पर निर्भर करेगा कि अगर स्थिति सामान्य रहेगी तो सब कुछ होगा, लेकिन अगर अचानक कहीं कुछ हो जाता है तब तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अब कोर्ट्स में लंबित मामलों का होगा निपटारा। हाईकोर्ट में पिछले 20 से 30 सालों से पड़े मामलों का अब निपटारा होने वाला है। इसको लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी कर दी है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की वेबसाइट के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के समक्ष 30 साल से पुराने 2411 सिविल मामले लंबित हैं। वहीं उच्च न्यायालय में 4663 ऐसे क्रिमिनल और सिविल मामले लंबित पड़े हैं जो 20-30 साल पुराने हैं। इस बाबत एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि पुराने मामलों का निष्पादन जरूरी है, मगर वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर जमानत याचिका पर सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में होगा मेगा वैक्सीनेशन। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बिहार में खास तैयारियां की जा रही है, जिसके तहत सीएम नीतीश बिहार में पीएम के जन्मदिन के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान को करने वाले हैं। बीते दिन आयोजित जनता दरबार के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना के मामले बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन सतर्क रहने की अभी भी जरूरत है। कोरोना के अलावा अन्य मौसमी बीमारियों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आप लोग देखिएगा, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस दिन बिहार में टीकाकरण कितनी बड़ी संख्या में होगा ये सब हम आपको बता देंगे। के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। हर प्रकार से एक एक चीज के लिए हम लोग अलर्ट हैं और नजर रखे हुए हैं। बिहार में अब घर घर जाएंगे स्वास्थ्य सेवक। बिहार में कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियां भी अब पैर पसारने लगी है। इस सबके बीच अब बिहार में सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवकों को भेजने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब स्वास्थ्य सेवक घर घर जाकर मरीजों की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी अब खास नजर रखी जाएगी। सीएम नीतीश की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग ने अब नए सिरे से कोविड प्रबंधन की व्यवस्था को शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को निर्देश भेज दिया गया है। उसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आने वालों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए हर जिले के एंट्री पॉइंट पर कोरोना जांच की व्यवस्था रखने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में पिछले 6 सालों के दौरान बढ़ा साइबर फ्रॉड। बिहार में पिछले 6 सालों के दौरान साइबर फ्रॉड बढ़ गया है। इस दौरान लोगों से 10.42 करोड़ ठगी का काम भी किया गया है। प्रभात खबर की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार फ्रॉड के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। साल 2016 की तुलना में साल 2021 की बात करें तो साइबर फ्रॉड के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो साल 2016 में जहां साइबर फ्रॉड के 4643 नए मामले सामने आए थे, वहीं सभी थानों में आई रिपोर्ट के अनुसार इतने सालों में साइबर अपराधियों ने करीब 10.24 करोड़ रुपए लोगों की जेब से उड़ा लिए हैं। वहीं रिकवरी में 5% की कमी भी आई है। बिहार के किसानों ने मशरूम खेती में किया एक नया कारनामा। बिहार खेती के मामले में अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान को दर्ज कर चुका है। वहीं अब बिहार ने मशरूम उत्पादन के मामले में उत्तर बिहार सहित पूरे राज्य में शानदार उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर दयाराम ने बताया है कि अभी पूरे राज्य में रिसर्च सेंटर की देखरेख में 57 प्लांट लगाए गए हैं। पिछले 5 साल में 2000 से बढ़ाकर 22000 टन उत्पादन तक मशरूम का उत्पादन हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप पौष्टिकता के साथ ही औषधीय गुणों से भरे मशरूम के विभिन्न वैरायटी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा लगातार प्रयास भी कर रहा है। इसके साथ ही औषधीय मशरूम के प्रोडक्शन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ मशरूम उत्पादन में बिहार देश में 3rd स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर उड़ीसा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है।
जायसवाल ने अपने बजाय अपने पति को उतारा मैदान में। सिंहवासनी पंचायत से 5 साल तक मुखिया रही ऋतु जायसवाल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह एलाइड सर्विस में रह चुके उनके पति अरुण कुमार मैदान में उतरेंगे। इस बाबत ऋतु जायसवाल का कहना है कि अब उनका कार्यक्षेत्र पूरा परिहार और पूरा बिहार है, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहीं अगर हम अरुण कुमार की बात करें तो अरुण कुमार 1995 बैच के अफसर है। कारगिल युद्ध के समय बोफोर्स एम्यूनिशन में भी उन्होंने काफी योगदान दिया। 12 साल पहले ही उन्होंने हालांकि नौकरी से वीआरएस ले लिया था। अभी अरुण कुमार यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन मेंटोरशिप का कोर्स करा रहे हैं। सीएम नीतीश का समर्थन कभी नहीं करने की चिराग ने कही बात। हाल ही में रामविलास पासवान की बरखी बनाई गई, जहां पर कई बड़े चेहरों ने हिस्सा तो लिया। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश का कार्यक्रम में शामिल नहीं होना कई सवाल उठा रहा है। यही कारण है कि चिराग भी अब इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। इस बाबत उन्होंने बीते दिन खुले मंच से यह ऐलान किया कि वो कभी भी सीएम नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। इसको लेकर बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग ने कहा कि राजनीतिक जीवन में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप मुझसे खफा हो सकते हैं, लेकिन मेरे नेता से खफा होने की बात समझ से परे है। 12 सितंबर को दिन हमने सीएम नीतीश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलना तो दूर मेरा निमंत्रण तक नहीं कबूल किया। आखिर इतना गुस्सा किस बात का। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे 2 दिवसीय यात्रा पर कटिहार। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों 2 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंच गए हैं, जहां वो 7 प्रखंडों का दौरा करेंगे। वहीं बीते दिन कटिहार पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कई मुद्दों को लेकर प्रतिक्रियाएं दी, जहां उन्होंने यूपी चुनाव से लेकर बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल और भाजपा और जदयू की तालमेल पर अपना बयान दिया। इस बाबत उन्होंने साफ कहा कि जदयू एनडीए के साथ यूपी चुनाव में चिन्हित सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के साथ सहमति नहीं बनेगी तो जदयू ने यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी अलग से कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों को लेकर भी कहा कि सरकार की नजर इस पर बनी हुई है। पार्टी में जारी बवाल के बीच वृंदावन पहुंचे तेज प्रताप। राजद पार्टी में जारी बवाल के बीच तेज प्रताप यादव वृंदावन की गलियों में पहुंच गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया हैंडल से जारी की है। सुर्खियों में बने रहने वाले तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें वो पीली धोती और कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं और बछड़े को पुचकारते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ ही उन्होंने अपने विचार भी साझा किए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, पवित्र वृंदावन के कण कण में भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। आपको बता दें कि छात्र विंग के अध्यक्ष आकाश यादव के पदमुक्त होने के बाद से ही तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी ने रघुवंश बाबू को दी श्रद्धांजलि तो सीएम का किया घेराव। बीते दिन रघुवंश बाबू की पहली पुण्यतिथि थी और इस दौरान राजद के सभी बड़े चेहरों के साथ साथ तेजस्वी ने भी मुजफ्फरपुर पहुंचकर रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने सरकार का भी खूब घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने श्रद्धांजलि सभा का हिस्सा बनने के दौरान कहा कि वर्तमान समय में लोग कुर्सी की खातिर अपने सिद्धांत को त्याग दे रहे हैं, लेकिन रघुवंश बाबू ने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कभी नहीं किया। ऐसे परिवार का मैं काम आओ, यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। उनके जीवन से हम लोगों को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। ओलंपिक मशाल सिडनी पहुंची। भारत ने 2009 में श्रीलंका को 46 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीता था। भारत में लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के लुकास टोली ने महेश भूपति और मार्क नोल्स की जोड़ी को हराकर यूएस ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीता था। फिल्मों के निर्माता राजकुमार कोहली का जन्म 1930 को आज के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह का जन्म 1963 में आज के दिन हुआ था। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण शिंदे का निधन 14 सितंबर 1985 को आज के दिन हुआ था। मिर्जा गालिब के प्रख्यात विशेषज्ञ एवं उर्दू के विद्वान रॉल्फ रसेल का निधन 2008 में आज के दिन हुआ था। जीमेल में आ रही है वीडियो और वॉइस कॉलिंग की सुविधा। टेक दिग्गज अपनी सबसे लोकप्रिय सर्विस जीमेल को सिर्फ मैसेज तक सीमित नहीं रखकर उसमें एक नया अपडेट देने जा रहे हैं। गूगल में एक ऐसी सुविधा को शामिल करने के लिए जीमेल को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें यूजर ऐप के माध्यम से अपने लोकेशन पर वॉइस और वीडियो कॉल कर सकेंगे। अपडेट जीमेल मोबाइल ऐप के जरिए किसी कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा देगा। ध्यान रहे कि कॉल जीमेल ऐप के भीतर गूगल मीट के जरिए ही किया जाएगा। गौतम गंभीर ने आईपीएल में विराट की पारी को लेकर कही अहम बात। आईपीएल का दूसरा फेज 19 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो कि यूएई में खेला जाएगा, जो कि दूसरे फेज का अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए 20 सितंबर को कोलकाता और आरसीबी के खिलाफ मैच होगा। हालांकि अब गौतम गंभीर ने विराट को लेकर अहम बात कही है, जिसके तहत हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, यह विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दोनों के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि दोनों इस टूर्नामेंट में बिना इस फॉर्मेट में खेले हुए आ रहे हैं। विराट कोहली को बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट से टी20 फॉर्मेट में उनको खुद को ढालना होगा। विराट इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेल कर आ रहे हैं और यहां आने के बाद उनके पास बिल्कुल समय नहीं होगा कि वो खुद को टेस्ट से टी20 क्रिकेट में ढाल पाए।
हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले में सरकार से जवाब किया तलब। बीते दिन बीसीपीओ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता भावना सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने उचित समय सीमा में डॉक्टर, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ और तकनीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के कॉलेज में खाली पड़े पदों को भरने का अनुरोध किया है। इस बाबत बताया गया है कि बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी राज्य में एकमात्र सरकारी अस्पताल है। पप्पू यादव का छलका दर्द। लंबे समय से जेल में बंद पप्पू यादव सलाखों के पीछे से ही कई मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने एक बार फिर से अपना ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने वायरल बुखार के कारण जान गंवाने वाले बच्चों को लेकर अपना दुख प्रकट किया, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि 4 महीने से कैद हूं, जघन्य अन्याय हो रहा है, लेकिन पीड़ा यह है कि वायरल फीवर से दर्जनों बच्चे जान गंवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा, राजनेता सब राजनीति में व्यस्त है, शायद सेवा कर मैं कुछ की जान बचा पाता। दक्षिण बिहार में नदियों को जोड़ने की तैयारी। दक्षिण बिहार में सकरी और नाटा नदियों को जोड़ने की संभावनाओं पर काम हो रहा है। इससे मुख्य रूप से 3 जिले नवादा, शेखपुरा और नालंदा में करीब 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। इसके साथ ही उत्तर विभाग में भी बागमती, बूढ़ी गंडक और नून सहित अन्य नदियों को भी जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही है, जिसके बाद अगले 1.5 महीने में यहां काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सकरी और नाटा नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं को सफल बनाने पर अन्य नदियों को भी जोड़ने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है केशव केसरी, शंकर मुखिया, रवि पासवान, ललित कुमार, पंकज कुमार, मुन्ना परदेसी, फुलेंद्र कुमार, मोनिका कुमारी, शंभु कुमार, दिव्यांशु कुमारी, गौरव यादव, कृणता गुप्ता, रघुनाथ प्रसाद, ब्रजमानी कुमार, भारत प्रसाद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नगर निगम कर्मियों द्वारा कूड़ा नहीं उठाए जाने से संक्रमण का खतरा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।